सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। सफलता के लिए एक दिन लगे या एक साल, मेहनत करने से कभी मत थकना और कभी मत रुकना। मन में उतरना और मन से उतरना केवल मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है। आज का पंचांग 2 सितंबर 2021 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 6:22 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 2:57 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:59 से 3:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। 2 सितंबर 2021 दिन गुरुवार। आज के दिन ग्रहों की स्थिति के कारण उलझन में डालने वाला रहेगा। आप किसे परेशान करने वाली समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन केवल सोचते रहने से कोई समाधान हाथ नहीं लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे आज आपको उससे विपरीत सूचनाएं मिलेगी, जिसके कारण आपको अपने पहले से सोचे हुए में बदलाव करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी निवेश संबंधित काम की योजना बन रही है तो उसे सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। समाज तथा राजनीतिक कार्यों में महत्व बढ़ेगा। अपना वर्चस्व दिखाने का यह उत्तम समय है। वक्त का लिहाज रखकर काम करने की आज आवश्यकता होगी। जितनी जिम्मेदारी आपको प्राप्त हुई है उतनी जिम्मेदारियों के साथ आपको काम का क्रेडिट और आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इसलिए काम को ध्यान पूर्वक करें और लोगों की नजरों में अपनी छवि को सुधारने के यही एक मौका है। इसलिए खुद से गलती ना हो इस बात के बारे में अधिक जागरूकता बनाए रखें। नए काम की शुरुआत के लिए अपेक्षित लोन आपको आसानी से प्राप्त होगा। पार्टनर की हर एक बात पर रोक टोक लगाना या जरूरत से अधिक विश्वास रखना दोनों ही बातें आपका नुकसान करा सकती है। सावधानियां। बच्चों को किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से तनाव रहेगा, उनका मनोबल बनाकर रखें। साथ ही अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें तथा किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित ही रखें। दुर्घटना होने की संभावना लग रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज अपने प्रत्येक कार्य में जीवन साथी की सलाह अवश्य लें, उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में करवाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकती हैं और अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकती हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बचाव मुद्दे आप में ही निहित हैं और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचें। बात करते हैं करियर की। वही लोग आपको नीचे खींचने की ओर कोशिश कर सकते हैं। मौखिक विवाद में न फंसें, आप प्रयास करें कि आपका कार्य बोले। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आपको नीचे ढकेलना मुश्किल होगा। अच्छा काम करते रहें, अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ सौहार्द बनाएं एवं मधुर वाक्यों का प्रयोग करें। नई योजनाएं बनेगी, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा। सिर्फ थोड़े से सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। साथ ही सहयोगियों और कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और इनकम सोर्स भी बढ़ेंगी। बात करते हैं सेहत की। आप आज ऊर्जा से भरे हैं, जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं।
आप स्वास्थ्य संबंधित किसी ऐसे काम की योजना बना सकती हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप से निकलना पड़ सकता है, इसलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिर दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।